बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ गई है। शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उदय रंजन। उदय, क्या तबीयत को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है शाहरुख खान की तबीयत को लेकर? दीपक, देखिए कल जो थी उनकी टीम को लेकर यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच के आईपीएल मैच जो चल रही उसको लेकर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। उसके बाद जो थे वो रात को यहीं पे रुके थे आईटीसी नर्मदा होटल के अंदर। आज सुबह की जो बात की जाए तो उसका रेगुलर जो था वही घटनाक्रम शुरू था। तभी 12 बजे के आसपास जो थी उसकी तबीयत जो थी थोड़ी नादुरुस्त हुई थी। उसके बाद जो उसने अपने स्टाफ को बताया, स्टाफ को बताने के बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस से उसको एसजी हाईवे पे, अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे केडी हॉस्पिटल है वहां पे उसको दाखिल किया गया। हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टरों ने प्राइमरी जब बॉडी को लेकर इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ था कि डिहाइड्रेशन होने के कारण उनकी तबीयत जो थी वो बिगड़ी हुई थी। उसके बाद वहीं पे उसको एडमिट किया गया और जो प्राइमरी जो भी सर्वर होती थी वही की गई, अभी शुरू है, अभी भी एडमिट है। माना जा रहा है कि लेट नाइट तक उसको यहाँ से रिलीज कर देंगे, मगर अभी की जो बात की जाए तो केडी हॉस्पिटल के आसपास ये ट्रैफिक जाम हो चुका है और पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। थोड़ी देर पहले ही एक्टर जूही चावला है वो भी अब उसकी तबीयत पूछने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। दीपक, बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी, अभी वो अस्पताल में ही है, एडमिट है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक शायद उनको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन मौजूदा वक्त में अभी वो एडमिट है। बहुत शुक्रिया करेंगे उदय आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।